देश के 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लगते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव का रण तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन लोधी भवन डोंगरगढ़ में किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। डोंगरगढ़ विधानसभा के संकल्प शिविर में उपस्थित कांग्रेस समर्थित जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ कांग्रेस जन, जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ LDM के साथी, NSUI कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हर एक कार्यकर्ता भाई स्वयं को विधायक प्रत्याशी का चेहरा माने, लोगों के बीच जाकर हमारे कांग्रेस की सरकार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को बताएं। हमारे कार्यकर्ताओं में और निश्चित रूप से पिछले समय यहाँ तो 35,000 जीते थे, इस समय 50,000 वोट से डोंगरगढ़ जीतने का संकल्प हमारे साथियों ने लिया है। जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं और युवाओं के लिए जो कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, उसका जबरदस्त लाभ आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का है। ये डोंगरगढ़ से 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये है कि बहुत कोशिश ये लोग किए थे नए बदलेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। वही सब पुराने चेहरे हैं, वही रमन सिंह है, वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही ब्रिजमोहन है, वही अमर है, वही राजेश मुणत है, वही केदार कश्यप है, वो विष्णु देव साह है, वही सब चेहरे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। 15 साल से जो इसकी सरकार रही है, जो लूटे छत्तीसगढ़ के, वही सब चेहरे हैं, तो इनके पास अब कोई चेहरा बचा नहीं। छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसमें गरीब जनता गरीब होती गई, वहीं अमीर और अमीर होता गया। जबकि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में गरीबी रेखा से बाहर आई और छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा की संख्या भी घटी है। कांग्रेस की सरकार गरीबों, किसानों, आदिवासियों की सरकार है। इसी प्रकार जितने भी कार्य कांग्रेस के द्वारा अब तक किए गए हैं, उनमें से एक भी भाजपा द्वारा अब तक नहीं किया गया। ये वक्त तो ऐसे है कि चुनाव आग 1 नवंबर के देवी है, हम जानत रहना चाहते तक लगी, हम 28 सितंबर के दे देंगे। खड़गे साहब वही जाएंगे, बटन चपक साहब साहब की किसान के खाता में जाना चाहिए पैसा 1 नवंबर की पहली हो गए, नहीं सर किसान के खाता में पैसा। अब वो कर बात भी कहा थे, राम के नाम से वोट ले थे, नोट पावा थे, 2260 किलोमीटर विकसित भी करा था राम जी के, ओ बड़ा भारी मूर्ति राजी में लगा दें, चंदपुरी में लगा दें, चंपारण में लगा दें, शिवरी नारायण में लगा दें, रामगढ़ में लगा दें, हो सीतामढ़ी पूरिया जिला सब जगह भगवान की मूर्ति और सब विकसित कर। हम राम के नाम से वोट नहीं मांगे, काबल कि हमर तो राम कण कण में है, जन जन में है, हम सुतकुट थन तब राम, सुत थन तब राम, कोनो मिल थन तब राम, काकरो विदा हो थन तब राम। अभी धान लुई आ थे, राज बांधो नापो काठा में, अब तो बुरा आ गए, नहीं पहले के मन जाना थे काठा नापे तो एक नहीं कहा थे राम का। बोनस चुनाव साल में हम तो कोरोना हुई ना, कोरोना दुनिया में व्यापार व्यवसाय ठप, हमारे छत्तीसगढ़ में खदान बंद, दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, सब बंद। ओकर बाद भी राहुल गांधी जी तुम्हारे से वादा कर रही से हमारे सरकार आई 2500 रुपए में धान खरीद पो, लेकिन वो वादा पूरा करें। कोरोना काल में भी हमारे सरकार किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ खड़े रही से, 4 किस्त दे पैसा, लेकिन किसान लोग पैसा दे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 90 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, जबकि कांग्रेस अभी भी अटकलें लगाए रखा है कि इसी बीच संकल्प शिविर आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।